मैं डॉक्टर अलका बसी सेन हूँ कोलकाता से और मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। आज मुझे यहाँ अपने पेशेंट से बात करने का मौका मिला है जहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा हटके है। सब सोच रहे हैं प्रेगनेंसी है तो क्या हुआ, बीमारी तो नहीं है, बीमारी नहीं है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा केयर फैमिली और साथ के सब रहने वालों को भी मदद देनी पड़ती है, पेशेंट को भी अपना ख्याल रखना पड़ता है। आजकल जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं वहाँ सब प्रेगनेंसी डिले करके अपने कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहे हैं, फिर भी सब घर में बैठ के बिना जॉब करे तो रह नहीं सकते हैं। तो हम लोग को प्रेगनेंसी लेने से पहले कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, हम लोग को फॉलिक एसिड कम से कम 2-3 महीना पहले चालू कर देने से बेटर रहता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में और जो प्रेगनेंसी आएगी उसके लिए भी। दूसरा, वेट का भी एक आजकल प्रॉब्लम रहता है, देखा गया है ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ में प्रेगनेंसी आना और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वेट उससे पहले कंट्रोल में लेके आए, इससे आपकी प्रेगनेंसी और अच्छी और बिना प्रॉब्लम, कुछ हद तक बिना प्रॉब्लम के कटेगी। नेक्स्ट है, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, मिलने जाइए, ताकि आपका बेसल फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में आपका जो वेट है, ब्लड प्रेशर है या कोई और मेडिसिन लेते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ एडवाइस देना हो तो वो दे सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क है डायबिटीज़ के तो उसका भी स्क्रीनिंग कर दिया जा सकता है, तो क्या आपकी प्रेगनेंसी सेफली आगे बढ़े। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला 3 महीने के अंदर जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जो डेटिंग स्कैन होता है, वो सेकेंड और थर्ड मंथ के अंदर किया जाता है। साथ साथ में डाउन स्क्रीनिंग की जाती है जिससे कि पता चले बेबी का डाउन सिंड्रोम का रिस्क है कि नहीं। अगर वैसा हो तो हम लोग उसके हिसाब से अपना आगे टेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी इंटरवेंशन आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग की जो जैसे जो जो हम लोग की रूटीन मेडिसिन रहती हैं, मेनली फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग को इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट करने की ज़रूरत रहती है, पेशेंट को रेगुलर मीट करके अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। अनीमिया भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रहता है जो प्रेगनेंसी में, जिसमें खून की कमी दिखाई देती है, तो हम लोग जैसे एडवाइस करें आयरन टैबलेट खाने के लिए, और अपने खाने की तरफ भी आप ख्याल रखिए जिससे कि पौष्टिक खाना हो, आपको उस तरफ से भी लाभ रहे।